फ्रेंड क्या आपको मालूम है व्हाट इज साइटिका? साइटिका बेसिकली सिम्टम्स होता है और इसमें पेन डेवलप कहाँ होता है जो हमारे साइटिक नर्व में होते हैं। ये आपको बैक ऑफ थाई में सप्लाई करता है, बैक ऑफ द थाई एंड लेग्स होते हैं सोल तक सप्लाई करता है। इसका जो ओरिजिन होता है लंबस स्पाइन से होता है और सैक्रल प्लेक्सस से होते हुए ये कंप्लीट आपको बैक ऑफ द थाई और लेग में सप्लाई करता है। नी के पास इसके दो ब्रांचेस होते हैं तो ग्लैटर और मीडियल साइड में सप्लाई करता है। तो सिम्टम्स पे आपको फाइंडिंग क्या मिलता है कब होगा? जब भी साइटिक नर्व आपको कंप्रेस्ड हो गया है या तो आपके जो लंबर स्पाइन है यहाँ पे कंप्रेशन है ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस लाइक स्टेपलेस होना, या अगर आपके स्पाइन में स्पोनाइटिस हो गया है या कोई फ्रैक्चर केस होगा या कुछ केसेस पे लाइक आपको सफर कर रहे हैं आप एंकलाइजिंग स्पोनाइटिस से, ओके, या ऐसे कोई भी आपको यहाँ पे डिस्क कलिजन हो रहा है, इन सारे केसेस में आपको नर्व कंप्रेस होते हैं। एक कंडीशंस होता है कि अगर थाई के पास आपके मसल्स है जैसे एक पेरिफॉर्मिस मसल्स होता है जिसके नीचे से आपको ये नर्व क्रॉस करता है, तो अगर ये मसल्स भी टाइट होंगे ये भी नर्व को कंप्रेस करते हैं, ओके। सो इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी हम देखते हैं कि आपका नर्व का कंप्रेशन पॉइंट कहाँ पे है, वो स्पाइन में है या आपके मसल्स में है या दोनों जगह पे है। इसको फ्रेंड इसमें कॉमन फाइंडिंग क्या मिलता है पेशेंट को? चलने में डिफिकल्टी होना, स्पेशली का जो गेट पैटर्न होता है टो टू हील गेट होगा, पेशेंट अपने एड़ी को नीचे जमीन पर रख नहीं पाते हैं और अपना जो ग्रेट टो होता है जो पैर का अंगूठा है वहां पे इस तरह से लिंपिंग गेट में चल के हमारे पास आते हैं, ओके, बिकॉज ऐसे करने में नर्व स्ट्रेच होगा तो पेन बढ़ जाता है। कॉमन फाइंडिंग क्या मिलेगा? पैर में कुछ भारीपन फील होगा या सुनपन का एहसास होगा या कुछ झंझनाहट फील होता है अगर नर्व कंप्रेशन आपका हो रहा है तो, ओके, या अगर लॉन्ग टर्म तक ये सिम्टम्स रहेगा तो आपके पैर वीक भी पड़ जाते हैं और आपको ऐसा एहसास होगा कि पैर आपको चलने में सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग देखना होता है कि ऐसा कौन सा कंडीशन आपके स्पाइन में है जो कि नर्व को कंप्रेस कर रहा है, ओके। तो रूट आपका जो कॉज है वो स्पाइन में है या मसल्स पे है या दोनों जगह पार्टवे में आपका नर्व का ट्रैपमेंट है जो कि साइड का कॉज कर रहा है, ओके। जैसे मैंने बताया सिम्टम्स होता है जैसे बीमारी के सिम्टम्स है तो यहाँ पे फाइंडिंग मिलता आपको है, ओके। पेन डिपेंड करता है कि किस लेवल पे आपका नर्व डैमेज हुआ या कंप्रेशन हुआ है वहां तक पेन जाएगा। सपोज आपका कंप्रेशन L2 L3 स्पाइन होगा ड्यू टू एनी रीजन आपको नी तक पेन रेफर हो सकता है। अगर L4 नर्व आपका कंप्रेस्ड होगा तो लेग तक पेन आएगा, L5 स्पाइन का होगा तो उसका पेन आपको सोल तक जाएगा। तो ऐसे हम केसेस को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स या फिर जो आपको रिपोर्ट है एक्सरे MRI में उसको चेकआउट करते हैं कि आपका जो साइट का पैथोलॉजी है कहाँ पे, ओके। अगर आपका स्पाइन क्लियर होगा तो हमारा फोकस होता है थाई के मसल्स के पास जो मसल्स हैं उसको हम चेकआउट करेंगे क्या वहाँ से कोई कंप्रेशन आ रहा है। मोस्ट कॉमन मिलता है पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम का, अगर वैसा साइट होगा तो ये भी साइट का कॉज करता है अगर ज़्यादा कंप्रेस कर रहा है तो, ओके। देन हम इस पर प्लान करते हैं कि पेशेंट का मैनेजमेंट किस बेसिस पे करना है, हमें उसको बोन को मैनेज करना है, हमें उसको मसल्स को सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज करना है या दोनों रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे फिजियोथेरेपी का डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं, एग्जाम्पल इलेक्ट्रोथेरेपी एक्सरसाइज थेरेपी एंड टेक्निक्स लाइक मैनोथेरेपी मोबिलाइजेशन मैनोप्रेशन सबका रिक्वायरमेंट होता है। एग्जाम्पल लेजर भी हो गया स्टेज कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक है, IFT है, अगर पेन है तो शॉर्टवेट का डिजिटल ऑफ अप्रोच हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर ये है रोटेट कर दिया है यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है इसको अगेन रीअरेंज करने का, बिकॉज ये नॉर्मल स्टेज में नहीं होगा, ये आपके स्पाइनल नर्व को कंप्रेस करता है और यहाँ पर पेन का लेवल बढ़ा देता है, ओके। सो कायरोप्रैक्टिक मतलब आपका जो बोन है उसको वापस अपने जगह पे इसको रिपोजिशन किया गया, ओके। इसको दूसरा नाम कहते हैं मैनिपुलेशन, सो बोथ आर इक्वल थिंग्स मैनिपुलेशन और कायरोप्रैक्टिक, यहाँ पे अगेन हम बोन को रिपोजिशन करते हैं, ओके। तो हमारे यहाँ से कंप्लीट असेसमेंट के बाद पेशेंट को हम लोग ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पेशेंट का कंडीशन जो एक्यूट है सब एक्यूट है या क्रोनिक स्टेज में है, उसके अकॉर्डिंग कुछ सेपरेट एक्सरसाइज बताना होता है। अगर आपका केस होगा स्टेप डिस्क का तो हमें देखना होता है किस स्टेज में भी है, ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है या ग्रेड 4 में जा चुका है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं आपका एक्सरसाइज कैसा होना चाहिए स्पाइनल एक्सटेंशन का और फ्लेक्सर का, या आइसोमेट्रिक करना होता है। कभी कभी दो केस मिलते हैं हमें केस ऑफ नंबर ट्रांसफर भी है और उनको PIVD भी है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज हमें किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करना। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप साइटिका के
पेन से सफर कर रहे हैं, तो जो आपका मेडिकेशन चल रहा है उसको मेंटेन करें, बट आप ट्राई करें किसी फिजियो से भी, एक्सपर्ट फिजियो से आप कांटेक्ट करें, वो आपके पूरे पोस्चर को असेसमेंट करेंगे और चेकआउट करेंगे कि आपका पेन का लेवल कहाँ कहाँ जा रहा है। जैसे सारे केस स्लिप डिस्क का पेनफुल नहीं होता है या आपको साइटिक का कॉज नहीं करता है, तो स्लिप डिस्क के डिफरेंट एरियाज होते हैं, हम वहाँ देखते हैं कहाँ पे एक्चुअल नर्व कंप्रेस हो रहा है और कहाँ तक इसका पेन डिफर हो सकता है। तो अगर हो सके आप किसी फिजियो से कांटेक्ट करें और देखें उनका मोड ऑफ ट्रीटमेंट, उसके अकॉर्डिंग कैसे ट्रीट कर रहे हैं आपको है और कितना उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो अब जैसे आप यूज कर रहे हैं लंबर बेल्ट का, तो दैट इज फॉर सपोर्ट, पर उसको लंबे समय तक लगाएंगे तो अगेन आपके बैक मसल्स स्टिफ पे हो जाते हैं और यूज ना होने के कारण कुछ मसल्स आपके वीक हो जाएंगे, इसको हम मेडिकल टर्म में एट्रोफी करते हैं। तो बेल्ट कब लगाना है, कितने घंटे के लगाना है, कैसे लगाना है, ये फिजियो आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे। उसके साथ ही वो चेकआउट करते हैं कि आपके दोनों पैर की लंबाई इक्वल है कि नहीं, बराबर नहीं होगा तो उसका स्ट्रेस से आपको पेल्विस का या स्पाइन का पेन डेवलप हो सकता है। देन हम देखते हैं कि जो बोथ साइड के मसल्स आपके हैं उनके जो बल्क है, साइज है, इक्वल है या नहीं, आपके जो काफ मसल्स का साइज जो है बल्क इक्वल है कि नहीं, क्या किसी मसल्स का टाइटनेस भी है। मोस्ट कॉमन क्या मिलता है हम लोगों को, आपके जो लंबर मसल्स हैं जिसको हम कहते हैं पैरास्पाइनल मसल्स, वो एक तरफ का आपका ज्यादा वर्किंग कर रहा है, दैट इज ओवर वर्किंग, और एक तरफ का अंडर वर्किंग है या नॉर्मल है, यहाँ पे मसल्स का अगेन आपका इम्बैलेंस है, इसका इफेक्ट भी आपके स्पाइन पे जाता है। ओके तो ये सारे केसेस को हम लोग पहले असेसमेंट करके देखते हैं कहाँ क्या डिफिकल्टी आ रहा है और ऐसे क्या वजह है जो कि आपके साइटिक नर्व पे कंप्रेशन पॉइंट बढ़ा रहा है या उसको कंप्रेस कर रहा है, तो इसको रूल आउट करना एक फिजियो का वहाँ पे रोल होता है। ओके तो पहले आपको असेसमेंट करेंगे, फिर आपका चेकआउट करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाने के बाद आपको डिफरेंट टेक्निक से वहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। तो ट्राई करें किसी फिजियो का इसमें हेल्प लेने का और आपको बेस्ट इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से आपका जो पेन होगा उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जाता है। फिर आपको जो भी प्रॉपर एक्सरसाइज बताएंगे स्टार्टिंग में या बाद के लिए उसको आपको अकॉर्डिंगली फॉलो करना है और उसको अपने लाइफ स्टाइल में आपको उसको डेवलप करना होगा, क्योंकि सभी का भी जो टाइम टेबल है काफ़ी हमारा पैनिक होता है या हम लोग के पास समय नहीं होता है। बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एनी हाउ 10 मिनट 20 मिनट का इसको एक्सरसाइज को प्लान करके आपके 24 आवर शेड्यूल में जब भी होता है इसको आप उसको यूज करें और अपने स्पाइन को हेल्दी बनाएं। साथ ही साथ जो आपका अर्गोनॉमिक्स होता है, दैट इज जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं, ऑफिस हो, घर में, आपका जो चेयर है वो किस साइज का है, किस स्टाइल का है, आपका टेबल जो उसकी हाइट क्या है, आपका सोफा है, आपका वर्किंग स्टेशन कैसा है, इसको कहते हैं अर्गोनॉमिक्स। तो उसके सेप साइज और जो मेक होता है वो भी काफ़ी हद तक हमारे स्पाइन को डैमेज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपके फिजियो आपको गाइड करेंगे कि आपके उठने बैठने काम का तरीका कैसा होना चाहिए, आपका सोफा कैसा होना चाहिए, आपके जो कुशन लगे हो कैसे होना चाहिए, या आप कुछ भारी सामान उठा रहे हैं तो उठाने का तरीका क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ पे फोकस करना होता है। हम चाहेंगे सिर्फ एक एस्पेक्ट पे साइड का या लोअर बैक पे को कंट्रोल कर लें, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके फ्रेंड, तो आप ट्राई करें किसी अच्छे फिजियो से कॉन्टैक्ट करने का जो कि प्रॉपर आपको गाइडेंस दे सके। तो होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पिंग होगा और आप चाहें तो इसको अपने किसी नियर बाय पेशेंट जो सफर कर रहे हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको एक बेसिक गाइडेंस मिल सके। सो थैंक यू वंस अगेन दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो केयरफुली, थैंक यू।